आज हम देखते हैं स्वामीनारायण कौन है एग्जैक्टली, या तो स्वामीनारायण मंत्र क्या है वो समझते हैं आज। एक्चुअली इसके लिए रेफरेंस में बहुत सारी चीजें यूज की है मैंने, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देखे हैं, फिर जो बुक्स है होली बुक्स हिंदू स्क्रिप्चर की वो भी देखी है, उसके बाद ये वीडियो बनाया है। तो आज देखते हैं स्वामीनारायण कौन है। बहुत सारी बुक हमने पढ़ी इसके लिए, जिसमें दो चीज नोट की, एक वैदिक साइंस और दूसरा टूडे साइंस। आज का जो है आज के साइंस के बारे में बात करें तो हमारे पास प्लानिटरी सिस्टम है, हम अर्थ पे रहते हैं और बाकी के ये सारे ग्रह है, उसमें सन है, तो ये पूरा बन जाता है सोलर सिस्टम। ये हमारी एक लौती सोलर सिस्टम है। यहाँ पे देखे तो ये एक मिल्की वे है, उसके अंदर ये है सोलर सिस्टम, ये एरिया सोलर सिस्टम है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लैनेट अर्थ। तो ये जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर भी एक सोलर सिस्टम है, उसके ऊपर है, वैसे हमारे सोलर सिस्टम के नीचे भी है। तो गैलेक्सी के आर्म की अगर बात करें, ये जो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे उसकी आर्म्स की बात करें, बाजू की, तो उसमें ऐसे बहुत सारी सोलर सिस्टम है। साइंस के मुताबिक भी कहा गया है कि 500 से ज़्यादा प्लानिटरी सिस्टम हो सकती है एक गैलेक्सी में। तो वैदिक साइंस के अनुसार 14 सोलर सिस्टम है, उसमें मिडल में हमें प्लैनेट अर्थ वाली जो हमारी सोलर सिस्टम है वो, ये जो पूरी गैलेक्सी है जिसमें ये 14 सोलर सिस्टम है, या तो ये 14 सोलर सिस्टम का समूह, उसको हम बोलेंगे देवी धाम। ये हमारा देवी धाम है, देवी धाम जो है उसके अंदर ये 14 सोलर सिस्टम है मटेरियल वर्ल्ड। गैलेक्सी में भी मटेरियल है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे ये ब्राउन कलर का जो एरिया है देवी धाम, वहां पे हमें ये अर्थ है और ये देवी धाम है, उसमें 14 और सोलर सिस्टम भी है दूसरी। अगर हम इस अर्थ पे रहते हैं, वापस चलते हैं ये अर्थ पे, अच्छे काम करते हैं तो हम ये ऊपर की सोलर सिस्टम जो है टॉप वाली सोलर सिस्टम जो आगे की है उसमें हम भ्रमण करते हैं। जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच, फिर पांडव पृथ्वी पे जीत गए पर कौरव नहीं जीत पाए, तो कौरव ने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं उन्होंने अच्छा काम किया था तो वो टॉप पे चले गए थे, जबकि पांडव जिसने काम इस जन्म में अच्छे किया अर्थ पे पर पहले के कर्म अच्छे नहीं थे तो वो नीचे चले गए थे, नीचे की सोलर सिस्टम में, फिर जाके अच्छे काम उन्होंने शुरू किए तो वापिस यहाँ पे आ गए टॉप में, तब उसको पता चला कि यहाँ पे तो पहले से मौजूद हैं जो कौरव लोग थे, स्वर्ग वगैरह जो बोलते हैं वो प्लानिटरी सिस्टम में, टॉप की प्लानिटरी सिस्टम में वो मौजूद थे। तो ऐसी कुल मिला के जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है उसमें वो बंदा चलता है जो कर्म किए जाता है, पल की चिंता नहीं करता, बस ऐसे ही कर्म करे, रात दिन जगो, खाओ पियो, काम करो, ऐस करो, ये लाइफ जो जीता है वो इसी में घूमता रहता है 14 प्लानिटरी सिस्टम में। इसके आगे कौन जाता है, तो ये 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है वो देवी धाम, उसके आगे कौन जाता है, तो एक बंदा ऐसा है जो ज्ञान लेता है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप उसको समझ रहे हो, समझ में आ गया आपको, तो आप ज्ञान लेके जाते हो, वो जो एरिया है उसको कहेंगे महेश धाम, महेश लोका, जिसमें शिव जी है, पार्वती जी और शिव जी का परिवार है। वहां पे भी एक सोलर सिस्टम है जो महेश धाम की है, ये महेश धाम भी हमारी गैलेक्सी के अंदर ही है, ठीक है। 14 सोलर सिस्टम जो थी वो देवी धाम की कलेक्शन है, पर उससे ऊपर एक है जो है महेश धाम, ज्ञान लेके मतलब की इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ के
समझ के जो आगे बढ़ता है वो यहाँ तक पहुँचता है, महेश धाम तक। उसके आगे भी एक धाम है, या तो कहेंगे एक सिस्टम है अर्थ पे, जो भक्ति करता है हर रोज, पूजा पाठ से लेकर भगवान का नाम कीर्तन करना, गुण गाना वगैरह। तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो विष्णु के अवतार को फॉलो करते हैं, जैसे कि राम भगवान है, विष्णु भगवान का अवतार है इनकार्नेशन, फिर बुद्ध भगवान है, या तो वो बुद्ध गॉड जो है वो भी इनकार्नेशन है विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान के जो अवतार है उसको जो फॉलो करता है, उसको उसकी जो रात दिन पूजा पाठ नाम कीर्तन वो करता है, जैसे वो करता है जैसे कि स्वामीनारायण, वो भी इसी का ही स्वरूप है। तो विष्णु के जो भी अवतार है उसका जो भी फॉलोअप करता है, नाम कीर्तन करता है, वो सब यहाँ पे आते हैं वैकुंठ के एरिया में। वैकुंठ के यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट है, जो एक सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें वैकुंठ के प्लैनेट है, जो अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर राशि में स्थित है। ये मैं नहीं बोल रहा, विकिपीडिया में भी मैंने पढ़ा, उसके बाद में ये सब कुछ बना रहा। तो मकर राशि कैप्रिकॉर्न में ये चीज है, वैकुंठ के बहुत सारे प्लैनेट, मतलब कि वहां पे कोई सोलर सिस्टम है मौजूद है। इस सोलर सिस्टम जो है उसके समूह को हम बोलते हैं हरिधाम या तो अक्षरधाम। स्वामीनारायण वाले लोग बोलते हैं कि अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे, ये वही एरिया है, ये वही सोलर सिस्टम है जिसको वो बोलते हैं अक्षरधाम। दूसरे बंदे राम वाले बोलते हैं हरिधाम जाएंगे या तो वैकुंठ जाएंगे, ऐसा भी बोलते हैं। तो वो हरिधाम बोलो, वैकुंठ बोलो, अक्षरधाम बोलो, तीनों चीज यही है, यही प्लानिटरी सिस्टम जो है जिसमें बहुत सारे वैकुंठ के प्लैनेट है वो है अक्षरधाम का इलाका। अब उससे भी एक आगे है जो कृष्ण वाले हैं, कृष्ण को फॉलो करते हैं डायरेक्ट, कृष्ण को ही मानते हैं मेन गॉड के रूप में। तो वो चले जाते हैं प्लैनेट अर्थ से डायरेक्टली गोलोक में, पर उन्होंने काम अच्छे किए हो तब, काम खराब किए होंगे तो इसी में देवी धाम में ही घूमते रहेंगे। देवी धाम में से वही निकल सकता है जो अच्छे काम काम तो ठीक है, काम तो किया पर कीर्तन भक्ति भी करता है, वो यहाँ से गोलोक तक जा सकता है या तो वैकुंठ तक जा सकता है, इससे आगे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इससे आगे बाहर निकलने की उसकी ताकत भी नहीं, मतलब हम लोग खुद की, इसके आगे कौन जाएगा। तो ये जो गोलोक है, गोलोक में रहते हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण जी, वो जा सकते हैं इस पूरी गैलेक्सी को छोड़ के। शिव जी है, शिव जी की पत्नी है, वो भी इसमें से दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। स्वामीनारायण की बात करें तो वो भी जा सकते हैं, या तो राम भगवान उसकी भी मैं बात करूँ तो उनकी आत्मा भी जा सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु का ही, विष्णु से बने हुए हैं, विष्णु के अवतार है इसलिए। तो ये गैलेक्सी का जो एरिया है उसमें अगर देखा जाए तो कुल मिला के चार चीजें, एक गोलोक जिसमें रहते हैं श्री कृष्ण और राधा जी, दूसरा प्लानिटरी सिस्टम जो है वो वैकुंठ के प्लैनेट है, उस प्लानिटरी सिस्टम को बोला गया अक्षरधाम या तो हरिधाम। उसके बाद और एक प्लानिटरी सिस्टम है जिसको बोलते हैं महेश धाम, महेश लोक, और जो एक्स्ट्रा प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 सोलर सिस्टम, उसको हम बोलेंगे देवी धाम। अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये पूरी एक गैलेक्सी है, अगर मैं इस गैलेक्सी को छोटा कर दूं तो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे ये जो मोमबत्ती रखी है उसके पास देखो, गैलेक्सी जो है वो छोटी दिख रही है, तो एक मोमबत्ती की जो जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती को निकाल दो, पर जो जल रही हुई फिगर है दिखाई दे रही है, जो इमेज, वैसी इमेज इस गैलेक्सी की भी नजर आती है। तो हम पूरी गैलेक्सी के पिक्चर को छोटा कर दे तो ऐसा लगेगा कि मोमबत्ती जैसी कोई ज्योत जल रही, तो इसीलिए उसको हम ज्योति भी कहते हैं, पर उसको बड़ा कर देते हैं तो एक ब्रह्मांड जैसा लगता है, तो वो ब्रह्म कहा जाता है, जिसको आज की साइंस में कहा गया है गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का भी एक मेन ओनर है,
इसको कहते हैं सदाशिव और दुर्गा। सदाशिव और दुर्गा दोनों ने इसके मेन ओनर है। तो अगर हम इसकी बात करें इस पिक्चर की, एक मिनट, अगर हम इसकी बात करें इस पिक्चर में अगर देखें तो शिव जी है, पार्वती जी भी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सदा शिव की बात कर रहा हूँ, जो शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, उन तीनों के फादर मदर है, वो है सदाशिव। तो वो सदाशिव और वो दुर्गा जी, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं आद्य शक्ति, तो वो आद्य शक्ति जो है वो उन सभी को मिला के जो बनता है, जो उन जो हैंडल किया गया है वो है गैलेक्सी। तो सदाशिव और दुर्गा दोनों मिलके गैलेक्सी बनाते हैं। ये तो आज भी हम जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड और एनर्जी, मटेरियल और एनर्जी, उसको यूज करके जब हम बनाते हैं तब हमारी गैलेक्सी बनती है। आज का साइंस क्या कहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहता है कि 25% मटेरियल वर्ल्ड है और 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये कहता है वैदिक साइंस। आज की साइंस की बात करें तो उसमें कहा गया कि 25% मैटर और एंटी मैटर है, कोई भी एक गैलेक्सी को ले लो, उसमें आपको मिलेगी 75% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाया है। जबकि वैदिक साइंस कहता है कि वो 75% जो है वो स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें जिसको हिंदी में कहेंगे दिव्य चीजें, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाए तो दिव्य ठोक दिया, तो वो है दिव्य चीजें। और मटेरियल वर्ल्ड जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं वगैरह, वो है 25%। तो इस प्रकार एक गैलेक्सी या तो एक ब्रह्म या तो एक ज्योति, निरंतर ज्योति बनती है। अब आप समझ गए होंगे, इसको ब्रह्म कहा गया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ज्योति कहा गया क्योंकि उसको दूर से देखे तो एक मोमबत्ती की ज्वलनशील आग जैसा लगता हुआ, ज्योति जैसा लगता है, तो इसीलिए इसको ब्रह्म ज्योति कहा गया। साइंस कहता है कि ये गैलेक्सी है और वैदिक साइंस कहता है कि ये ब्रह्म ज्योति है, जिसके ओनर है सदाशिव और दुर्गा, दुर्गा माता जी। अब ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, आज के साइंस भी कहता है कि हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सी है, तो अब हम उसको उठाते हैं। ये देखो एक गैलेक्सी यहाँ पे, ये दूसरी गैलेक्सी, तीसरी, चौथी, सभी गैलेक्सी हम साइंस के मुताबिक जाएं तो सभी गैलेक्सी बिग बैंग से निकली हुई थी, जैसे हम जानते हैं। हमारा साइंस कहता है कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद ये सारी गैलेक्सीज डेवलप हुई है बहुत टाइम के बाद। जब बिग बैंग हुआ तब किसी को दिखाई भी नहीं दिया क्योंकि प्रकाश ही नहीं था वहां पर। कुछ साल बाद, कुछ करोड़ों साल बाद प्रकाश निकला, तब पता चला कि यहाँ पे तो कुछ चीज बैंग हुआ है, कुछ धमाका हुआ है। तो ये बिग बैंग जहां से हो रहा है या तो कंटिन्यूस होता रहता है, वो है, उसको कहेंगे वैदिक साइंस में परब्रह्म। ये महाविष्णु है, विष्णु नहीं है ये। हम इसकी यहाँ पे देखे तो यहाँ पे श्री कृष्ण है, वो विष्णु के अवतार है, स्वामीनारायण है, वो भी विष्णु के अवतार है। फिर यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं उसके ऊपर जो है सदाशिव और दुर्गा, उसके भी ऊपर की बात कर रहा हूँ। सदाशिव और दुर्गा के ऊपर जो है वो है परब्रह्म या तो महाविष्णु। ये महाविष्णु जो है, मतलब कि आज का साइंस का बिग बैंग, उसमें से ये सारी गैलेक्सी आई है, या तो कहें कि वो गैलेक्सी है छोटे छोटे ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति निकली है इस महाविष्णु में से और निकलती रहती है। ऐसे बहुत सारे बिग बैंग होते रहते हैं पूरे कॉस्मोस में, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हो रहे हैं आज की दुनिया में। वो साइंस भी अभी यहाँ तक पहुंचा है कि भाई मल्टीवर्स जैसी चीजें हैं, तो ऐसे एक बिग बैंग नहीं, बहुत सारे बिग बैंग होते हैं और बिग बैंग से बहुत सारी गैलेक्सियां बनती है और गैलेक्सिया के अंदर सब कुछ होता है। तो हम यहाँ तक पहुंचे कि ये है परब्रह्म, मतलब कि उसका दूसरा नाम है महाविष्णु, उसका
भगवद गीता में एक और नाम दिया गया अक्षर पुरुष, स्वामीनारायण वाले उसको बोलते हैं अक्षर पुरुषोत्तम, बीएपीएस वाले बोलते हैं इसको अक्षर पुरुषोत्तम, दूसरे बोलते हैं स्वामीनारायण। तो स्वामीनारायण बोलो, अक्षर पुरुषोत्तम बोलो, अक्षर पुरुष बोलो, महाविष्णु बोलो, पर ब्रह्म बोलो, ये सभी को इसी को ही दिखाता है जो बिग बैंग करता रहता है, बिग बैंग का ओनर है। तो ये है महाविष्णु। अब इसके ऊपर भी एक है, ये भी एक्सपायर हो जाता है, महाविष्णु भी बहुत बिग बैंग कर लिए फिर वो भी खत्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे महाविष्णु हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दो से ज्यादा महाविष्णु की इमेज रखी हुई। ये महाविष्णु जो है उसके ऊपर भी है। तो ये है महाविष्णु एक, ये महाविष्णु दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी को अगर हम देखें तो वो सभी एक चीज से निकलते हैं जिसको बोलते हैं सच्चित आनंद। कोई से परमात्मा बोलता है, कोई से बोलता है अल्लाह, मोमेडियन लोग इसको अल्लाह बोलते हैं। ये सच्चित आनंद ऐसी चीज है, उसका कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है उसका कोई। ये तो अब समझने के लिए हम धमाका जैसा दिखा रहे हैं, ओरिजिनली इसका कोई शेप नहीं है, राउंड नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं, कोई शेप नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि अभी तक कोई उसको देख ही नहीं पाया ठीक ढंग से कि उसका शेप कैसा होगा। सभी लोग मेडिटेशन करके यहाँ तक पहुंचे, बिग बैंग तक। आज का साइंस भी बिग बैंग तक पहुंचा है, पर उसके ओनर का साइंस को नहीं पता है। मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख के वैदिक साइंस कहता है कि बिग बैंग का ओनर है महाविष्णु। पर महाविष्णु का ओनर जो है सच्ची आनंद, वो किसी होली बुक्स में भी उसका ठीक से डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो उसका शेप कैसा है, इसीलिए वो उसका कुछ शेप नहीं है। तो मोमेडियन जो लोग हैं वो अल्लाह बोलते हैं, वो इसी को बोलते हैं, उसका कोई शेप नहीं है, वो दिखता नहीं क्योंकि समझ में ही नहीं आता, वो है, मौजूद है, पर समझ में नहीं आता। तो हम हिंदू लोग उसको बोलते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में से ये महाविष्णु निकले। महाविष्णु का दूसरा नाम है अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुषोत्तम या स्वामीनारायण। तो ये है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है वो ऐसी व्यक्ति है, वो पूरा कॉस्मोस मर जाए, मतलब कि ये जो परब्रह्म है, ये एक परब्रह्म है। परब्रह्म मतलब कि बिग बैंग जहां से हो रहा है उसका ओनर वो है परब्रह्म। ये परब्रह्म भी मर जाए तो भी सच्चिदानंद जो है वो नहीं मरता है, पूरे कॉस्मोस का ओनर है, कंटिन्यूस रहता है, रहता है, रहता है, वो मरता नहीं। हाँ, वो दूसरे को बनाता है, महाविष्णु को, महाविष्णु को बनाता है, और महाविष्णु आगे जाके गैलेक्सीज बनाते हैं बिग बैंग करके। गैलेक्सीज में फिर हर एक गैलेक्सी के अंदर, फिर आगे अगर हम बढ़े तो हर एक गैलेक्सी के अंदर, ये गैलेक्सी को कहेंगे ब्रह्म ज्योति, उसके अंदर उनके ओनर जो है वो सदाशिव है और मदर दुर्गा है। और सदाशिव और मदर दुर्गा के जो बेटे हैं वो है ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है वो विष्णु भगवान, जिसके साथ लक्ष्मी जी रहती है, तो ये विष्णु भगवान है, उसका ये अवतार है सहजानंद। उसका बचपन का नाम था हरि कृष्ण, जिसको आज हम स्वामीनारायण कहते हैं। एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था हरि कृष्ण। तो विष्णु भगवान जब कृष्ण भगवान के अवतार में थे, इनकार्नेशन हुआ था कृष्ण भगवान का, तब एक प्रॉब्लम हुई, बारी बारी युद्ध चलता रहता था, कोई ना कोई दुश्मन आ जाता था, तभी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुफ्त के मारे जाते थे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा उस टाइम पे, और स्कंद पुराण में ये सारी चीजें लिखी गई है। स्कंद पुराण के अंदर विष्णुमात्मा है, उसके अंदर है अध्याय 18, उसके अंदर श्लोक है 42 से 48 पढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगी बात कि कृष्ण भगवान बोलते हैं युद्ध के समय। अब यहाँ पे स्कंद कौन है, तो स्कंद जो है वो शिव जी का बेटा है, फर्स्ट जो मयूर पर बैठता है, तो जो गणेश जी से बड़ा है वो है स्कंद।
उसको वो बोलते हैं एज ए माँ बाप के तौर पर, क्योंकि अगर आपको ठीक से पता हो तो विष्णु भगवान जो है उसकी बहन का नाम जो था वो था पार्वती जी। ठीक है, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं स्कंद को कि ये जो मेरे साथ होती हुई लड़ाई है मूप की, जो ऐसी मूप की लड़ाई जिसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और जो मुझसे मारे जाते हैं तो वो वापस जन्म लेंगे, वो जन्म लेंगे उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसको मतलब रास्ता दिखाना पड़ेगा, सही रास्ता सही ज्ञान दिखाना पड़ेगा, तो वो ज्ञान दिखाने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं वापस जन्म लूंगा, तब मेरे फादर का नाम होगा धर्मदेव, मदर का नाम होगा भक्ति माता। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में ये चीज लिखी गई है, स्कंद पुराण के विष्णु महात्मा के अध्याय 18 में श्लोक 42 से 48 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। तो वो वापिस जन्मे कृष्ण भगवान नया अवतार में, और उनका काम एक ही था कि भाई जो भी लोग जन्मे हैं इस टाइम पे, वो जब जन्मे थे उस टाइम पे करीबन 1800 साल के आसपास जन्मे हुए, तो उस टाइम पे जो भी जन्मे उसको सही रास्ता दिखाने का काम उनका था। सही रास्ता किस बात का, तो ये पूरे यूनिवर्स की बात है, उस रास्ते की बात। तो इसीलिए उन्होंने भारत की आजादी के चक्कर में नहीं पड़े गांधी जी की तरह, उन्होंने तो क्या सोचा है कि भाई जो भी लोग हैं उसकी आत्मा है उसकी आजादी के लिए का जो रास्ता है वो उन्होंने दिखाया, तो उसके लिए उन्होंने तप किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं तप किए करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने तप किया, ध्यान किया, सब किया। बचपन में ही घर छोड़ के निकल गए थे, तब ध्यान किया, उसमें से उनको खुद मेडिटेशन करके इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन मिलने पे ये सारी चीजें उनको समझ में आई कि सबसे ऊपर सच्चिदानंद है, उसके बाद महाविष्णु है, महाविष्णु जो है वो एक एक ब्रह्म ज्योति बनाते हैं गैलेक्सीज, हर एक ब्रह्म ज्योति के अंदर अगर जाएं तो उसमें ये सारे लोक हैं, गोलोक है, वैकुंठ का अक्षरधाम वाला लोक है, महेश लोक है, और देवी धाम है जिसमें हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे हम अर्थ पे जन्मे हुए हैं। वो चीज पता लगी जब मेडिटेशन किया, जानकारी इकट्ठी की, दूसरे साधु लोग से मिले, तो उन्होंने ये चीज आगे बढ़ाने की सोची कि अब हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सारे लोग ये जान सके। तो उस टाइम पे सजानन इनका नया नाम रखा गया, जब तप कर रहे थे तब नीलकंठ वर्णीय रखा गया, तो ये नीलकंठ वर्णीय है, फिर उसका आगे नाम रखा गया सजानन। जब सजानन जो थे वो पहले थे नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी जो थे वो पहले थे हरि कृष्ण, हरि कृष्ण में से नीलकंठ वर्णी नाम आया, नीलकंठ वर्णी में से सजानन नाम आया। वो जानकारी बहुत बड़ी रखते थे सहजानंद स्वामी ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी रखते थे, और उन्होंने ऐसा भी बोला कि ये सब कुछ लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, उसके अनुसार ही मैं जन्मा हूं और मैं विष्णु भगवान का ही अवतार हूं। इसलिए उन्होंने ऐसी स्टाइल वाले कपड़े पहने, ऐसा नहीं है कि भाई साधु लोग होते हैं वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, तो अच्छे वाले कपड़े पहन के बैठते हैं, और ये खुद खुद ने तय नहीं किया था, दूसरे साधु लोग जो थे उन्होंने उनको बोला कि आप ये नॉर्मल कपड़े छोड़ दो, आप तो विष्णु भगवान के अवतार हो तो ठीक ढंग से अच्छे वाले कपड़े पहनो। ये सजानन जो है उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला अपने भक्तों को, तो भक्त को मेडिटेशन करवाया और ये सारी चीजें दिखाई, तब एक भक्त को पता चला कि ये जो है उसमें सबसे ऊपरी जो है वो महाविष्णु है, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाया, यहाँ तक नहीं बढ़ पाया था, सच्चिदानंद तक नहीं बढ़ पाया, वो यहाँ तक पहुंच पाया महाविष्णु तक। तो उसको पता लगा कि जो महाविष्णु है उसका अगर हम नाम रटन करें तो हम समझो कि हम इस जो चक्रव्यूह है उसमें से निकल सकते हैं, जो चक्रव्यूह है हमारा देवी धाम वाला जिसमें 14 प्लानिटरी सिस्टम है उसमें से हम निकल सकते हैं, तो वो चीज उसको पता लगी, इसीलिए उसने
सजानंद स्वामी को बोला कि मुझे ये चीज पता लगी मेडिटेशन में। अब ये चीज पता लगी तो उसको ऐसा लगा कि जो ये व्यक्ति है, जो सहजानंद है, वो जिसकी बात कर रहा है महाविष्णु जी की, वो मुझे दिखाई दिया। तो यही चीज सभी साधु लोग ने पूछा कि क्या है क्या है, हमको भी सिखाओ। मेडिटेशन करके उनको भी बताया कि ये महाविष्णु जो है उसमें से ये सारी चीजें निकल रही है। महाविष्णु में से एक एक ब्रह्म ज्योति निकलती है, और ब्रह्म ज्योति के अंदर जो है उसमें भी लोक है बहुत सारे, जिसमें महेश जी का लोक है, विष्णु जी का लोक है, और राधा कृष्ण जी का लोक है, और देवी धाम भी है। तो तब जाके सबको पता लगा कि एग्जैक्टली क्या है। पर अगर आज की बात करें तो वचनामृत, जो सहजानंद सेंट जिंदा थे तब जो भी चीज बोली गई उनके द्वारा वो लिखी भी गई है, जिसका एक होली बुक है, उसका नाम है वचनामृत। उसमें अगर आप पढ़ोगे वचनामृत में तो वो ये सहजानंद संत है वो बारी बारी स्वामीनारायण नाम नहीं लेते थे, वो लेते थे नाम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो कंटिन्यूस ओनर है कॉस्मोस के, उसका नाम लेते थे, उसमें से ही महाविष्णु आते हैं। तो भक्तों को यहाँ तक तो पहुंचा नहीं जा सकता था सच्चिदानंद तक, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम महाविष्णु जो है वहां तक का नाम भक्तों को दें। इसीलिए उन्होंने एक नाम तय किया, वो है जो बुक में ही लिखा है भगवद गीता में, जिसका नाम है अक्षर पुरुष। उसको और एक नाम दिया अक्षर पुरुषोत्तम, और एक नाम दिया स्वामीनारायण। पर अब बीएपीएस वाले अक्षर पुरुषोत्तम बोलते हैं, बीएपीएस में नहीं आते, दूसरे लोग जो आते दूसरे मंदिर में वो स्वामीनारायण बोलते हैं। तो एग्जैक्टली जो मंत्र दिया वो दिया था स्वामीनारायण। अब स्वामीनारायण क्यों दिया तो उसको अलग अलग करें, स्वामी मतलब की पति, फिर है नरा, नरा मतलब की पानी। अगर इसको देखें ये इमेज को तो ऐसा लगता है कि विष्णु भगवान एक पानी जैसे चीज में बैठे हैं, एक्चुअली हम उसको बोलेंगे इथर, क्योंकि समझ में नहीं आता वो चीज क्या है, तो वो इथर में बैठे हैं, इसीलिए उसको नर सब, नरा जो शब्द है संस्कृत शब्द है, तो हम उसको बोलेंगे इथर। उसके ऊपर ये पति बैठे हैं, किसके पति, तो ये सारी गैलेक्सियां हैं, ब्रह्म ज्योति है उसके पति। और आयन, आयन मतलब कि सोना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सो रहे। तो इन शॉर्ट स्वामीनारायण का मीनिंग ही हो रहा है परब्रह्म, या तो महाविष्णु, या तो अक्षर पुरुष, या तो अक्षर पुरुषोत्तम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वामीनारायण क्यों, स्वामीनारायण क्या है। तो ये तो सहजानंद सेंट थे जिन्होंने ये मंत्र दिया स्वामीनारायण का, तो खुद का मंत्र नहीं दिया। खुद का मंत्र वो दे सकते थे, वो बोल सकते थे आप नाम जपो हरि कृष्ण, क्योंकि उनका बचपन का नाम था, वो नाम नहीं दिया। वो ये भी कह सकते थे कि विष्णु का नाम जपो, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे, तो वो भी कह सकते थे कि विष्णु का नाम जपो। उसने क्या किया, विष्णु जो इसमें रहते हैं ब्रह्म ज्योति में, उसके फादर मदर है सदाशिव और मदर दुर्गा, उसके भी ऊपर है, सदाशिव और दुर्गा के भी ऊपर है वो चीज जो है वो है महाविष्णु। तो ये महाविष्णु है, उसका नाम उन्होंने रटने के लिए दिया, इसीलिए नाम उन्होंने दिया, वो मंत्र दिया वो है स्वामीनारायण। वो तो दे सकते थे सहजानंद सहजानंद रटो, वो कह सकते थे नीलकंठ नीलकंठ आप रटो, पर उन्होंने वो नहीं दिया। उन्होंने नहीं तो दिया विष्णु का, नहीं तो दिया उसके फादर मदर सदाशिव और दुर्गा का, पर उससे भी ऊपर जो है परब्रह्म, वो महा विष्णु का नाम उन्होंने दिया। खुद तो वो किसका नाम ले रहे थे, वो लेते थे खुद सच्चिदानंद का नाम। अगर आप वचनामृत पढ़ो तो उसमें बारी बारी लिख के आता है जय सच्चिदानंद बोले सहजानंद सेंट, वो खुद तो इसका लेते थे क्योंकि वो उसको अभी समझ सकते थे। पर भक्त लोग यहाँ तक की सीमित थी बुद्धि उनकी, वो बोलते थे हमको सच्चिदानंद समझ में नहीं आता, तो भक्त लोग को यहाँ तक पहुंचाया महाविष्णु तक, इसलिए उन्होंने नाम रखने को दिया स्वामीनारायण। तो अब अगर आप स्वामीनारायण का नाम रखते हो पृथ्वी पे बैठ के, और मरने के बाद भी स्वामीनारायण नाम रटन करते रहते हो, तो आप वैकुंठ तक जा सकते हो, वैकुंठ की प्लानिटरी जो सिस्टम है जिसको कहा गया अक्षरधाम, वहां तक जा सकते हो। आप
पृथ्वी पे बैठ के स्वामी के बदले कृष्ण का नाम लेते हो, तो वैकुंठ वाला जो इलाका है वहां पे नहीं जाओगे, उसके बदले आप जाओगे गोलोक वाले प्लानिटरी सिस्टम में। और अगर आप शिव जी का नाम लेते हो तो आप महेश लोक में जाते हो। या तो ये ज्ञान ले रहे हो मेरे पास, इंफॉर्मेशन ले रहे हो और अपने कर्म किए जा रहे हो, पर अच्छे कर्म कर रहे हो और देवी धाम से छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और आपको ये ज्ञान है तो आप एक स्टेप आगे जाओगे, महेश लोक तक जाओगे। तो अब आपको सब कुछ चीजें ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। सबसे ऊपर जो है सुप्रीम एब्सोल्यूट है, जिसका हिंदी में नाम, संस्कृत में नाम है सच्चिदानंद, जो एक उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, इसका कोई शेप नहीं है, वो है सुप्रीम एब्सोल्यूट। वो ब्रह्मांड मरे जिए उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉस्मोस मरे जिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो कंटिन्यूस रहता ही है। वो इतना बड़ा है कि उसका शेप कैसा है वो किसी को आज तक पता नहीं चला। वो सुप्रीम में से जो आता है, सुप्रीम एब्सोल्यूट में से जो आया वो है परब्रह्म। सुप्रीम एब्सोल्यूट ने जो भी चीजें निकाली तो उसमें से जो बना वो है महाविष्णु। तो ये एक महाविष्णु है जिसको हम बोलेंगे परब्रह्म, या तो नाम दे सकते हैं स्वामीनाथ, जो बिग बैंग करता रहता है। बिग बैंग करने से वो गैलेक्सिया बनाता है, और गैलेक्सी जो है वो एक, उसको भी अगर हम बड़ा करें तो वो एक ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मांड भी है। छोटा देखो तो वो ज्योति जैसा लगता है, मोमबत्ती की तरह, जिसको साइंस कहता है कि वो एक गैलेक्सी है। और एज पर एस वैदिक साइंस, उनके जो देवता हैं मेन देवता वो है सदाशिव और दुर्गा। अब ये सदाशिव और दुर्गा है, उसके तीन बेटे हैं, उसमें एक है ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश। ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, यूनिवर्स को बनाना। विष्णु का काम है यूनिवर्स मतलब कि ये जो गैलेक्सी है वो बन चुकी है तो उसमें सभी जगह मटेरियल पहुंचाना। महेश जो है उसका काम है मटेरियल तो पहुंच गया, अब ब्लैक बिग वो बोलते हैं ना, ब्लैक होल डाल दो, सभी को आपस में भीड़ दो और खत्म करो ये चीज। तो वो महेश काम करते हैं डिस्ट्रॉइंग का, या तो एक प्लैनेट के साथ दूसरे प्लैनेट को टकराना, वो सब काम करते हैं महेश। तो इस प्रकार ये तीन लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है उसके फादर मदर है सदाशिव। और विष्णु भगवान के जो अवतार है, विष्णु भगवान में से जो निकले हुए अवतार है, उसमें एक है राम, एक कृष्ण है, एक सहजानंद। ठीक है, तो सहजानंद ने जो स्वामीनारायण का नाम दिया वो खुद उसका अपना नहीं है, वो इसका है परब्रह्म का, महाविष्णु का नाम है। तो सहजानंद तो खुद विष्णु के अवतार थे, पर जो महाविष्णु है उस अवतार का नाम दिया स्वामीनारायण। अब हम वापस एक बार रिपीट करते हैं कि भाई अगर आप कुछ भक्ति भक्ति करना चाहते हो, कोई ऐसा है जो ज्ञान लेता रहता है, ज्ञान लेते रहते हो, तो ये देवी धाम है। देवी धाम में 14 सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा प्लानेट अर्थ है वो बीच में। तो अगर आप इस सब चीज की, मैंने जो ये लास्ट स्लाइड में रखा हुआ है, ये समझ जाते हो और अच्छे काम करते रहते हो तो आप महेश लोक तक जाओगे, शंकर भगवान तक, शिव जी के तक जा सकते हो। ठीक है, पर आप भक्ति भी करते हो, महेश भगवान की, विष्णु भगवान की, स्वामीनारायण की, कृष्ण की, सभी की भक्ति करते हो और अच्छा भी काम करते हो, तो आप ये दो जगह पे जा सकते हो। कंटिन्यूस कृष्ण की भक्ति करो तो गोलोक में चले जाओगे, और अगर स्वामीनारायण या राम की भक्ति करते रहते हो तो वैकुंठ में, वैकुंठ के अलग अलग प्लानेट हैं, वो प्लानिटरी सिस्टम को कहा गया है हरिधाम या अक्षरधाम, वहां तक जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ तक जाना है। आप नॉलेज लेके बैठ गए, अच्छे काम कर रहे हो, नॉलेज लेके बैठ गए तो महेश धाम तक जाओगे। आपने ये नॉलेज भी लिया और अच्छे काम के साथ बुरे भी कर रहे हो तो आप ये 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है उसमें घूमते रह जाओगे, चाहे कितने भी जन्म ले लो, ये 14 प्लानिटरी सिस्टम में घूमोगे। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्लियरली समझ पाए हैं कि स्वामीनारायण जो है वही महाविष्णु है, वही परब्रह्म है, पर उसके ऊपर भी और एक चीज है, वो है सच्चित आनंद, सुप्रीम एब्सोल्यूट। उसको और एक नाम दिया गया है परम दिव्य पुरुष, जो देवी भागवत में
मैंने इस पूरी स्लाइड को बनाने के लिए बहुत रेफरेंसेस चेक किए हैं। मैं भी सामने संप्रदाय का ही हूँ, फॉलो करता हूँ बचपन से, पर मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तब जाके ये सब कुछ चीजें मैंने देखी, आज का साइंस, पुरानी किताबें, तब जाके ये पूरी चीज समझ में आई कि एग्जैक्टली सहजानंद कौन है, नीलकंठ वाणी कौन है, हरि कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, विष्णु के फादर मदर कौन है, सदाशिव और दुर्गा, उसके भी फादर मदर कौन है, महाविष्णु है, महाविष्णु के ऊपर कौन है, तो वो है सच्चिदानंद। तब मुझे समझ में आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आया होगा, और फिर आपको कौन से लोक में जाना है नेक्स्ट में, उस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हो। कृष्ण की भक्ति करो तो गोलोक में जाओगे, स्वामीनारायण की भक्ति करो या हरि कृष्ण राम की भक्ति करो तो वैकुंठ की प्लानिटरी सिस्टम में जाओगे, जिसको अक्षरधाम कहा गया है, हरिधाम कहा गया है। अगर आप ये नॉलेज लेके अच्छा काम करते हो नॉर्मल, तो महेश लोक पे जाओगे। अगर आप अच्छा काम भी नहीं करते, बुरा काम भी नहीं करते, तो यहीं पे पड़े रहोगे, 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है उसमें घूमते रहोगे, लाइफ निकल दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा जो गैलेक्सी है वो खत्म हो जाएगा। आप जानते ही होंगे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो और हमारी मिल्की वे, वो दोनों आपस में टकराएगी कुछ साल बाद। तब ये पूरे मिल्की वे में जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। 14 प्लानिटरी सिस्टम के साथ जो महेश लोक के वैकुंठ की प्लानिटरी सिस्टम है, गोलोक की प्लानिटरी सिस्टम है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा एक पूरे ब्रह्म का नाश। इसको हम गैलेक्सी को हम बोल रहे थे कि वो एक ब्रह्म है, तो एक पूरे ब्रह्म का नाश हो जाएगा, एक पूरे ब्रह्म ज्योति का नाश हो जाएगा, एक पूरे गैलेक्सी का नाश हो जाएगा। वो तो आप जानते ही हो कि खत्म तो होने ही वाला है। तो उसमें रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका भी नाश हो जाएगा। उसके फादर मदर जो है सदाशिव और दुर्गा, वो भी इसमें चले जाएंगे। पर ये पूरा मर गया तो इसका क्या हुआ, इन सभी आत्माओं का, इन सभी आत्माओं को दूसरे गैलेक्सी में यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से निकाल के दूसरी गैलेक्सी में डाल देंगे। और ये काम कौन करेगा, ये करेगा परब्रह्म काम करेगा। परब्रह्म भी मर जाता है, ऐसा नहीं कि परब्रह्म जिंदा रहता है, परब्रह्म की कुछ आयुष्य है, वो मर जाएगा तो वो अपने परब्रह्म के इलाके में जो है चीजें उसको निकाल के दूसरे के इलाके, दूसरे परब्रह्म में डाल देता है। तो वो परब्रह्म टू परब्रह्म चीजें ट्रांसफर होती है, उसमें मोस्टली आत्मा ही ट्रांसफर होती है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है। तो परब्रह्म के ऊपर सच्चिदानंद है, जिसको कुछ नहीं होता, वो एब्सोल्यूट है, वो ओनर है पूरे कॉस्मोस के, वो है रहेंगे और जितना चाहे कर लो वो पड़े ही रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।